हेलो दोस्तों, झारखंड पिजन्स यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबको अपना लॉफ्ट दिखलाने वाला हूं, अपने कबूतर का लॉफ्ट दिखलाने वाला हूं। और यहां पर आप कबूतर देखें, मेरा जो कबूतर है उन सबको आप यहां देख सकते हैं। यहां पर कुछ कबूतर यहाँ पर नहा रहे हैं, यहाँ पर पानी दिया हुआ है नहाने के लिए, तो ये सब अभी नहा रहे हैं। और मैं अपना लॉफ्ट आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पेटी है ये चार खाने का बना हुआ है, एक ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है। तो इसमें कबूतर बैठा हुआ है अंडे पर, यहाँ पर कबूतर बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं लॉफ्ट, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर भी कबूतर बैठा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मादी है, यहाँ पर एक कबूतर अंडे पर बैठा हुआ है, यहाँ पर ब्लैक लखा आप देख सकते हैं बैठा हुआ है, यहाँ पर ये अभी अंडा देने वाला है। यहाँ पर एक पेयर देसी का है, और इसमें आप देख सकते हैं गेट कुछ इस तरह से लगाया हुआ है, यहाँ पर ये जाली मैंने लगाया है ताकि इसमें अंदर मच्छर ना जा सके। ये जाली आप देख सकते हैं, ये पूरा इस तरह से कवर किया हुआ है ताकि अंदर मच्छर ना जा सके। और नीचे भी एक कबूतर बैठा हुआ है अंडे पर, वाइट लखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कबूतर बैठा हुआ है, कल्दुम, बेदाग कल्दुम अंडे पर बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक पेटी आप देख सकते हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद नीचे में है, यहाँ पर आप देख ले, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कागजी कबूतर है छोटे चोच में, ये बैठा हुआ है यहाँ पर, ये कुछ ही टाइम में अंडा दे देगा। उसके बाद एक खाना यहाँ पर बना हुआ है, एक खाना यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो खाना है ये लखा का है, ये भी लखा का है, यहाँ पर कुछ बच्चे रहते हैं। यहाँ पर एक खाना देख सकते हैं, एक खाना ये है। उसके बाद यहाँ पर एक पेयर लगा हुआ है ब्लैक और वाइट का, यहाँ पर एक खाना है, यहाँ पर मेरा मद्रासी का ये खाना है, यहाँ पर मद्रासी भी अंडा देने वाला है, और एक यहाँ पर है। तो ये मेरा लॉफ्ट है, और एक बाहर में लगा हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और अभी मेरे पास कबूतर कुछ ज़्यादा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर नीचे भी रखना पड़ता है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जाली है, तो यहाँ पर भी कबूतर रख देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जाली है, यहाँ पर पेटी है, इसमें भी रखते हैं, और बाहर में भी है, वो भी आप लोगों को दिखला देता हूँ। ये मेरा लखा, ब्लैक लखा, वाइट लखा, क्वालिटी आप चेक कर ले लखे का क्वालिटी। उसके बाद बाहर में जो लॉफ्ट है, जो पेटी बना हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। यहाँ पर लखा आप देखें, ये अभी नहा रहे हैं, और यहाँ पर ये आप देखें, यहाँ पर है ये रेड पर पंचीला भी बोलते हैं इसको, और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसमें इस तरह से गेट लग जाता है, यहाँ पर इस तरह से ये दिखाई देता है। ये देखिए, और ये जो बर्तन है अंडे के लिए, वो बर्तन रखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से जो भी खाली होता है बर्तन वो यहाँ पर रखा होता है। यहाँ पर आप देखिए, सबूज कबूतर, लखा सबूज है, मेल है ये,
और ये देसी का बच्चा है। और यहाँ पर अभी सभी कबूतर नहा रहे हैं। अभी सभी कबूतर नहा कर के बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये देखें, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आज का जो मौसम है, आज बादल है, धूप नहीं निकला है आज, फिर भी यहाँ पर कबूतर नहा रहे हैं। यहाँ पर मैंने पानी दे दिया था बर्तन में, तो ये नहा रहे हैं। आपको भी अपने कबूतर को नहलाने के लिए देना चाहिए, एक दिन दो दिन गैप करके आपको भी अपने कबूतरों को नहलाना चाहिए, इससे वो हेल्दी रहते हैं और वो जल्दी बीमार नहीं होंगे। यहाँ पर कबूतर नहा के फ्रेश हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।